आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के कुछ एक जो रूल्स हैं, ठीक है, जिन रूल्स का यूज करके हम लोग करंट कैरिंग डिवाइस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानते हैं और जो है करंट कैरिंग डिवाइस को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस समय वो करंट कैरिंग जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उस पर फोर्स एग्जर्ट होता है, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम लोग किस रूल से जानते हैं, इस रूल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम लोग जानेंगे कि जब किसी कंडक्टर को मूव कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस कंडक्टर में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कंडक्टर में ईएमएफ या फिर कहें पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है जिसकी वजह से उस कंडक्टर में क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट दिखने लगता है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग वन बाय वन इस चैप्टर में डिफरेंट रूल्स को देखेंगे। जैसे फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर फैमिलियर विद द रूल राइट हैंड थंब रूल, ओके। इस चैप्टर को जब मैं आप लोगों को डील कर रहा हूंगा तो राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताया हूंगा दैट दिस राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं राइट हैंड थंब रूल इंप्लीमेंट करके, ओके। सेकंड जो है हमारा मैक्सवेल स्टीव रूल, इस रूल का भी यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने के लिए, ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए, कब, तो जब करंट का फ्लो स्ट्रेट कंडक्टर में हो रहा होता है, यानी ये जो दोनों लॉ है रूल वन एंड टू बोथ रूल्स आर यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एंड जो थर्ड रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। यानी जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो दैट कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस पे लगेगा उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो मूव करने लगेगा। तो वहां पे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ मूविंग कंडक्टर, इन अ मूविंग कंडक्टर व्हेन दैट कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ये चार लॉ को, ये फोर लॉज को हम लोग सेपरेटली वन बाय वन देखेंगे ताकि हमारा आज फाइनल हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। अकॉर्डिंग टू ये चीज आपके लिए हर जगह अप्लाई हो जाएगा, क्लास टेंथ के जो बच्चे हैं जो टर्म टू का एग्जाम देना चाहते हैं सीबीएसई बोर्ड से और जो बिहार बोर्ड वाले भी हैं उनका भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो 11th 12th के बच्चे हैं उनका भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स, वन बाय वन हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड थंब रूल, फ्रेंड हम लोग राइट हैंड को देख ले, ये हो गया हमारा राइट हैंड, तो राइट हैंड का जो थंब होगा, ओके, वो बता रहा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, वो बता रहा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा होता है किसमें, स्ट्रेट कंडक्टर में, स्ट्रेट कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या बता रहा होता है, राइट हैंड का थंब बता रहा होता है। एंड फोल्डिंग ऑफ फिंगर, ये जो देख रहे हैं रिस्ट, जो फोर फिंगर्स है, मतलब चार फिंगर, एफ ओ यू आर मैं बताना चाह रहा हूँ, जो फोर फिंगर्स है एफ ओ यू आर फोर फिंगर्स जो राइट हैंड्स की, इनका जो फोल्डिंग हो रहा है, ये जो फोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, ये फोल्डिंग जो है वो बता रहा होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यदि कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, सी हियर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो उस केस में फोल्डिंग ऑफ फिंगर्स जो हम लोग करेंगे, तो फोल्डिंग ऑफ फिंगर्स से क्या दिख रहा है कि फोल्डिंग ऑफ फिंगर्स हमारा फिंगर जो है किस डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा है, तो ये फोल्ड हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सो फ्रेंड्स,
in a straight current carrying conductor, when the direction of current is upward, जब direction of current upward होगा, clear है ना? Upward हो, कैसे भी समझ सकते हैं, जैसे इस board पे हमने इस conductor को रखा, ठीक है, और direction ऐसे कर लिए, है ना? मतलब कहने का ये मतलब है कि upward कहने का मतलब इस board के perpendicular, तो आप देखिए कैसे बन रहा है, force of field कैसा हो रहा है, anti-clockwise, तो यही है, जब इस board के perpendicular आपका direction of current होगा, तो इसमें magnetic field का direction क्या हो जाएगा? Anti-clockwise होगा, ठीक है? और जब इस board में into, ठीक है, downward current का मतलब ये हो गया कि आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो conductor है ना, current का direction into the board है, board के अंदर है, ठीक है? यानी current हो गया downward, तो downward जब current होगा, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, जो ओरिएंटेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसा होगा? वो होने जा रहा है क्लॉकवाइज। ओके फ्रेंड्स, सो ये तो हम लोग हेनरी क्रिस्टियन ऑस्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, परफॉर्म किया था, दैट ईच एंड एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और इन सिंपल वे वी कैन से दैट ईच एंड एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर behaves as a magnet, behaves as a magnet. तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया, राइट हैंड थंब रूल। ओके, यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैक्सवेल स्क्रू रूल। मैक्सवेल स्क्रू रूल क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मुझे ये चीज मैं श्योर हूं कि आप लोग कभी ना कभी घर में बहुत सारे अप्लायंस होते हैं, बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, आप उनमें से कभी ना कभी स्क्रू ड्राइवर से किसी न किसी गैजेट्स के स्क्रू को आपने टाइट किया होगा और लूज भी किया होगा, ठीक है? आप जरा उसको याद कीजिए, ठीक है? जब आप जो है इनटू द बोर्ड, है ना, किसी स्क्रू को आप इसमें टाइट करना चाहेंगे, ठीक है, यानी उसको अपवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप देखेंगे आपका स्क्रू ड्राइवर, यहां देखिए ध्यान से फ्रेंड, ठीक है, आप जब इसको, कहने का मतलब है कि जैसे कि आप देखेंगे कि जब इस बोर्ड में, बोर्ड के अंदर स्क्रू को आपको डिप करना है ना, डाउनवर्ड यानी अंदर करना है, तो अंदर करना है, तो आप देखेंगे कि स्क्रू ड्राइवर को आप कैसे रोटेट करते हैं, स्क्रू ड्राइवर को डिप करने के लिए, डाउनवर्ड मूव करने के लिए, अंदर मूव करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करना होता है, कैसे? क्लॉकवाइज। जब आप स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं फ्रेंड, तो आप देखेंगे कि ये जो स्क्रू है वो डाउनवर्ड डिप होगा, वो इस बोर्ड के इनटू द बोर्ड वो डिप होगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, और इसी में जब स्क्रू को इस बोर्ड से बाहर यानी ऊपर लाना होता है, इस बोर्ड के ऊपर लाना होगा, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं उस समय, उस केस में स्क्रू ड्राइवर को हम लोग कैसे रोटेट करते हैं, तो उसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखेंगे, जब स्क्रू ड्राइवर को हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो जो स्क्रू होगा वो अंदर, वो डाउनवर्ड, वो अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है? और जब स्क्रू ड्राइवर को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो उस समय स्क्रू जो है वो क्या आएगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा। ये कह रहा होता है मैक्सवेल स्क्रू रूल, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू, ओके, रिप्रेजेंट्स the direction of current and the rotation of screwdrivers indicates the direction of magnetic field produced by that straight current carrying conductor. यानी जो स्क्रू का मोशन होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा होगा स्ट्रेट कंडक्टर में, एंड जो स्क्रू ड्राइवर का जो डायरेक्शन होगा रोटेशन का, वो बता रहा होगा कि उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो फ्रेंड्स, यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको अपने वीडियो में बताया है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है? तो उस केस में मैं आपको बताया था कि उसमें जो क्वाइल होती है इलेक्ट्रिक मोटर में, ओके, वो क्वाइल किस तरह से रोटेट करता है, ओके? तो आपने देखा था वहां पे कि जब जो है रेक्टेंगुलर क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो कंडक्टर जो है, वो जो रेक्टेंगुलर क्वाइल है, जो कंडक्टर है,
वो कंडक्टर क्या कर रहा होता है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जानेंगे। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है, जिसमें जो थंब है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, तो उसका जो थंब है वो हमें बता रहा होता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी उस करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो थंब क्या बता रहा होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स रिप्रेजेंट्स या इंडिकेट्स, इसमें देखना है कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसमें पहले समझ लीजिए आप, इसमें देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड है इसकी जो ये तीनों फिंगर है, थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना है एक दूसरे के साथ, हर कोई जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसमें देखेंगे जो थंब होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी उस कंडक्टर पे फोर्स जो एक्ट हो रहा है, ठीक है, वो फोर्स का डायरेक्शन क्या है। एंड जो फोर फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करेंट, ओके। तो याद रखेंगे कि ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये आपका अप्लाई होता है किसके लिए, तो ये अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में आप देखेंगे ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में ये रूल अप्लाई होगा। एंड ये जो अप्लाई होगा ये रूल ये होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, ओके। ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हम लोग को जानना ही है डायरेक्शन ऑफ करंट वगैरह सब लोग सब कुछ मैं बता दिया हूं, कि जो मिडिल फिंगर होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, जो फोर फिंगर होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, एंड जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ क्या बता रहा होगा, फोर्स बता रहा होगा, ओके फ्रेंड्स। और ये जो रूल है वो अप्लाई होता है कहाँ, वो इलेक्ट्रिक मोटर में, ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में, क्लियर है कि इलेक्ट्रिक मोटर में जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके जो डिफरेंट आर्म्स है, उस डिफरेंट आर्म्स में जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, और उसी फोर्स एक्टिंग फोर्स की वजह से वो क्या होता है, रोटेट करने लगता है। नेक्स्ट फ्रेंड हमें जानना है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट सॉरी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में जानना है। तो पिछले ही फ्रेंड्स इसको हम लोग, ये जो हमारा राइट हैंड है, ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर कर ले कि दिस इज अ फ्लेमिंग राइट हैंड, ओके। एंड इस इन दिस राइट हैंड ऑल थ्री फिंगर्स मीन्स थम फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। वेयर एज द थम रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एंड जो फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो सेंट्रल फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट। एक्चुअली होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और उस जनरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कंडक्टर में क्या होने लगता है, क्या काउज होने लगता है, तो उस कंडक्टर में करंट का फ्लो दिखने लगता है, ठीक है। तो आखिर उसमें करंट का जो फ्लो दिखने लगा, यानी करंट इंड्यूस हुआ, तो उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस चीज को हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करके फाइंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में टर्म टू के सिलेबस के लिए बस इतना ही पढ़ना था, और ये जो आपके रूल्स हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल स्प्रिंग रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और इसके बाद भी इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह है फ्रेंड्स, ठीक है, ये अभी एक्सक्लूड किया गया है चैप्टर से, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसको भी मैं आगे बता दूं। तो मुझे पूरा फेथ है फ्रेंड, मुझे पूरा बिलीव है कि आप जो है इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और फिर से मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा फ्रेंड्स। आज के लिए थैंक यू।